सांस लेने का सही तरीका क्या है। आप बच्चों को देखिए, आप पाएंगे कि सोते समय बच्चों की सांसें काफी हद तक गले के गड्ढे से नाभि के बीच होती हैं। उसका पेट नहीं फूलता, बस यहां से यहां तक। यहां अगर आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होती है, आप बहुत ज्यादा कंदयुक्त या ट्यूबरस चीजें जैसे आलू वगैरह खाते हैं, तो आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होगी। वहां गैस पैदा होने से नाभि और गले के गड्ढे के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे और आपके सिस्टम की गतिशीलता कम हो जाएगी। अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए।